कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पालघर महाराष्ट्र। सो हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि यूथ को एक परफेक्ट करियर पार्टनर बनने में हम लोग हेल्प कर सके, तो उसके लिए हम लोग एक चैटबॉट बनाया जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके युवा है उसका पर्सनैलिटी और वो किस जॉब में बेस्ट सूटेड होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर जो जॉब उसके लिए बेस्ट सूटेड है उसके बेसिस पे कुछ लिस्ट ऑफ जॉब्स उसको ऑफर करेंगे कि इसमें आप काफी अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे कि हर जॉब के लिए एक पर्सनैलिटी होती है, जैसे कि वो जॉब सिलेक्ट करेगा जो उसकी टेस्ट की पर्सनैलिटी थी और जॉब की पर्सनैलिटी को हम लोग मैच करते हैं। इनकेस वो मैच नहीं होती है तो हम लोग उसको सेट ऑफ ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उस पर्सनैलिटी लेवल तक पहुंचे कि जो जॉब वो करना चाहता है उसको काफी अच्छे से करे, या फिर अगर दोनों की पर्सनैलिटी मैच होती है तो उसको सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन देके आगे बढ़ाया जाए। आगे हम लोग का कुछ प्लान ऐसा है कि जितना भी टाइम वो सीखता है हमारे ऐप में बॉट में, फिर दूसरे मेंटर से बात करके जितना वो सीखता है उसका हम लोग ई रेज्यूमे बनाए और डिफरेंट कंपनीज को फॉरवर्ड करें ताकि कंपनीज उसको गो थ्रू कर सके और इलेक्ट्रॉनिक होगा तो सेंडिंग ईजी होगा। थैंक यू। देखिए हमारे देश में एक काम करने जैसा है, आप देखते होंगे हम लोग जब स्कूल से निकलते हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप सबको मिला है ना? मिला है ना? जो अच्छा मजा देखिए, जो जेल में है उसके पास भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, हम सबके पास भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अब देश को आवश्यकता उसमें बदलाव करने की है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बजाय हम एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या? और क्या आप जैसे नौजवान एक ऐसा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी हो सकता है, सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस इन सबको मिलाकर के एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट इसका एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सकता है क्या? और माँ बाप बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी आदतों के संबंध में उसके अंदर डिटेल भरते चले और सॉफ्टवेयर एनालिसिस करें और बताएं कि ये बच्चा आपका इस प्रकार का बिहेवियर करता है, मतलब ये इसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी पड़ी है, इनहेरेंट टैलेंट पड़ी है, माँ बाप को गाइड करता चले। अगर ऐसी कोई चीज़ आप डेवलप करते हैं जैसा जिस विषय को आप अभी कर रहे हैं उसका एक नया और बहुत बड़े लार्ज स्केल पर, और हर आज देखा होगा आपने ट्वेल्थ के एग्जाम के बाद बहुत बार काउंसलिंग के लिए जाते हैं, बहुत बड़ा पैसा देते हैं और 3 दिन 4 दिन काउंसलिंग चलता है और फिर वो काउंसलर जो होता है वो बताता है कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने के लिए योग्य है, आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए योग्य है, वो कोई ये नहीं बताता है कि वो माली बनने के लिए भी योग्य है, ये एग्रीकल्चर में कुछ को नहीं बता रहे क्योंकि वो एक लिमिटेड उनका है दायरा। लेकिन पहले से ही अगर 12-15 साल तक लगातार मैपिंग चले और उसके लिए कोई पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर बनता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है, तो हम बहुत बड़ी सेवा हमारे खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो काम आपको मिला है जिसके लिए आप सॉल्यूशन अभी देने वाले हैं, लेकिन उसका एक बड़ा स्केल बढ़ा करके भी आप इस पर काम कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सेवा हमारी युवा पीढ़ी की हो सकती है, उसको अपना रास्ता तय करने में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा भाई तुम छोड़ो आर्किटेक्चर बनने के बजाय लेकिन तुम अच्छे पेंटर बनो, तुम बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, और मैं मानता हूँ वो पेंटर बनकर के जिंदगी बहुत बढ़िया जी सकता है। तो ये हम एप्टीट्यूड की तरफ कैसे करें, और मैं समझता हूँ उसका स्केल बना करके भी आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन आपने जितना बताया मैं उसका स्वागत करता हूँ और एक अच्छी दिशा में आप लोग सोच रहे हैं।